हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ज्योति, और आप सब अच्छे होंगे, आई होप सो। और वीडियो की शुरुआत फ्रेंड्स मेरी गार्डन में हुए नए एडिशंस के साथ। और मैं धीरे धीरे अपने गार्डन को डेकोरेट कर रही हूँ बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से, जो कि एक दिन मैं पूरा ओवरव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। और प्रोसेसिंग में है अभी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो दो टॉपिक पे है। एक तो मैं आपको एक DIY बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ही इतनी वेस्ट चीज़ से जो है बनेगा, जो आप सोच भी नहीं सकते, जिसे आप बिल्कुल ही वेस्ट समझते हो, उस चीज़ से मैं DIY बनाऊंगी। और इतना ब्यूटीफुल एक DIY बनकर रेडी होगा उस चीज़ की हेल्प से, जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। और दूसरे जो चीज़ है फ्रेंड्स, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि शायद आप भी सफ़र कर रहे होंगे, आप भी सोच रहे होंगे कि अगर आपके घर में, जैसे आप गार्डनिंग के शौकीन हैं, लेकिन आप कहीं मतलब ऐसी फ्लोर पे रहते हैं जहाँ पे ना धूप आती है, बहुत कम धूप आती है, और प्लांट्स लगाने की भी ज़्यादा स्पेस जो है वो नहीं है, और मोस्टली आपको इंडोर प्लांट्स ही लगाने पड़ते हैं अपना शौक पूरा करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है मेरे घर, मेरे वाला जो फ्लोर है, मैं फ़र्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, और जो है ये, वैसे मैं फ़र्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, बट छत पे भी जो है वो मैंने बहुत सारे जो है प्लांट्स और डेकोरेशन बहुत अच्छा किया हुआ है, लेकिन मेनली मैं रहती फ़र्स्ट फ्लोर पे ही हूँ। और मेरा जो शौक़ है गार्डनिंग को लेकर, वो आपको मेरी वीडियोस में दिखाई दे ही गया होगा कि मैं कितनी क्रेज़ी हूँ गार्डनिंग के पीछे, प्लांट्स के पीछे। मुझे बहुत सुंदर लगता है अपना घर प्लांट्स लगाने के बाद, या यूँ कहूँ कि मुझे अपने घर को ना पौधों से ही सजाना ज़्यादा अच्छा लगता है, इसकी बजाय कि मैं मार्केट से डेकोरेटिव आइटम्स ख़रीद के लाऊं और उससे अपने घर को डेकोरेट करूं। मैं अपने घर को प्रेफर करती हूं कि मैं सुंदर सुंदर प्लांट्स लगाकर ही अपने घर को डेकोरेट करूं। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं कि अगर आपकी भी जो है बालकनी वो इतनी मतलब पतली है, एक ही ईंट वाली जो दीवार है उससे बनी हुई है, क्योंकि मेरी बालकनी ऐसी ही है, एक ही ईंट की 4 इंच की दीवार से मेरी बालकनी की जो दीवार है वो बनी हुई है, और इस पे मैं पौधे जो है वो बिल्कुल भी नहीं रख सकती। अगर मैं वैसे रखूं, गमले रखूं, क्योंकि बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है इस तरह से गमले रखना, वो कभी भी गिर सकते हैं, ज़्यादा तेज़ हवा से गिर सकते हैं, कोई बिल्ली आएगी, कुछ भी आएगा, तो वो पौधे जो है कभी कभी हमारे खुद के हाथ से भी गिर सकते हैं। तो हमें उस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि नीचे भी जो लोग रहते हैं उनकी सेफ्टी का भी ध्यान देना है, और दूसरी चीज़, हमारा पौधा भी डैमेज होगा अगर गमला और पौधा दोनों ही डैमेज होंगे अगर पौधे नीचे गिरेंगे तो, और वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। मैंने बहुत लोगों के घरों में देखा है कि लोग इतनी पतली पतली दीवारों पर गमले रख देते हैं, कुछ भी रख देते हैं, और उससे कोई भी एक्सीडेंट जो है वो हो सकता है फ्रेंड्स। तो आप इस तरह की जो गलती है वो बिल्कुल भी ना करें। अब आप ये देखिए कि मेरी भी जो दीवार है वो बिल्कुल ही 4 इंच की है, यानी कि सिर्फ़ एक ही ईंट से बनी हुई है। तो मैंने इस पे प्लांट्स किस तरीके से रखे हुए हैं, और मेरा बहुत ज़्यादा मतलब मन था कि मैं अपनी बैक वाली जो बालकनी है उसमें मैं बहुत सारे पौधे लगाऊं, और मैं इस दीवार के ऊपर भी बिल्कुल लाइन से सारे में पौधे ही पौधे लगाऊं, गमले रखूं, बट वो मैं कैसे रखूं वो मैं समझ नहीं पा रही थी। तो फिर मुझे जो है वो एक आइडिया आया, और ये जो बास्केट्स आप देख रहे हो वाइट कलर की, ये सारी जो बास्केट्स हैं ये डीप फ्रीज जो होता है फ्रेंड्स उसमें आती हैं ये, और ये हमारे घर में बहुत सारी रखी हुई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले, 3-4 साल पहले आइसक्रीम पार्लर ओपन किया था, तो बहुत सारे डीप फ्रीज आए थे, तो ये जो जालियां हैं ये इधर उधर गिरी पड़ी घूम रही थी, ये किसी काम की नहीं थी। तो मैंने पहले तो जब मुझे आइडिया नहीं था इस चीज़ का कि मैं इसको इस तरीके से यूज़ कर सकती हूँ, तो मैंने सोचा था कि मैं वेल्डिंग वाले भैया से आयरन के कुछ इस तरह के तरीके की जाली बनवा लूँगी और उसमें मैं अपने पौधे रख लूँगी। लेकिन फिर मेरे को मतलब जब मैं सफाई कर रही थी तो मेरे को ये जालियाँ दिखी मिली, तो फिर मतलब बिल्कुल लगा कि अरे ये तो बिल्कुल मेरा काम कर सकती हैं, और उससे अच्छी बात ये है कि इनको मैं बांध सकती हूँ अपनी बालकनी की जो दीवार है उसमें नीचे जो 2 होल हैं वहाँ पे मैं इनको बांध सकती थी, और मैंने इनको बहुत टाइटली रस्सी से बांध दिया है अपनी दीवार के साथ,
और उसमें मैंने इन अपने सारे गमलों को, और गमले भी जो है फ्रेंड्स मैंने मिट्टी के बिल्कुल भी नहीं रखे हैं यहाँ पे, सारे के सारे जो हैं वो ब्लैक कलर के छोटे वाले पॉट्स हैं या फिर घर में वेस्ट यूज वाले जो डब्बे हैं वो हैं। तो ज़्यादा हैवी जो गमले हैं वो आपको इनमें भी नहीं रखने हैं। तो फ्रेंड्स आप ये जो है एक काम कर सकते हैं अगर आप भी अपने बालकनी में इस तरह से पौधे रखना चाहते हैं तो। और ये तो मेरे पास तो ये इस तरीके की जालियां थी, मुझे पता है हर किसी के पास इस तरीके की चीज़ें घर में नहीं होती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप थोड़ा सा खर्चा कर सकते हैं तो आप वेल्डिंग वाले भैया से आयरन की इस तरीके की एक लंबी या छोटी छोटी 3-4 जालियाँ बनवा लें और उसमें आप अपने गमलों को रखें। इससे क्या है आप ज़्यादा क्वांटिटी में गमले जो हैं वो अपनी दीवार पर रख पाएंगे, क्योंकि हैंग करने में भी आप कितना हैंग करेंगे। तो इस तरीके से आप ज़्यादा जो है अपनी दीवार पे गमले रख पाएंगे पूरा दूर तक। और ये जो है ये ऊपर पूरा मैंने पाइप लगा के, एक लोहे के पाइप हमारे घर में बहुत सालों से पड़े हुए हैं, मैं शादी करके आई थी इस घर में तभी उससे पहले से ही पड़े हुए हैं ये पाइप छत पे। तो मैंने उनको उसको इस तरीके से, ये जो है मेरी बैक बालकनी है और इसमें जो है एक तरफ वॉशरूम है एक तरफ बाथरूम है, तो दोनों में ऊपर जो है वेंटिलेशन के लिए होल छोड़ा हुआ था तो वहाँ पे मैंने इस पाइप को सेट कर दिया दोनों में, और उस पे मैंने सारी बास्केट्स को हैंग कर दिया है। और ये जालियाँ जो है फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि मैंने किस तरीके से बांधी है और किस रस्सी से मैंने बांधी है, मैंने इनको प्लास्टिक वाली जो रस्सी आती है कपड़े सुखाने वाली उससे बांधी है, और बहुत डबल रस्सी से मैंने इनको बांधा है और बहुत टाइट बांधा है ताकि ये अपनी जगह से बिल्कुल भी हिले नहीं। तो फ्रेंड्स अगर आप भी अपनी जो है बालकनी में इस पौधे जो है लगाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं और सेफ्टी भी चाहते हैं तो इस तरीके से आप जो है अपने गमलों को रख सकते हैं। और ये जो है फ्रेंड्स ये मैं आपको देना चाह रही हूँ अपना जो है मनी प्लांट की कटिंग्स का अपडेट, जो कि मैंने सिर्फ मनी प्लांट की जो है डंडियाँ जो हैं छोटी छोटी कटिंग्स जो है वो काट के लगाई थी। उनको मैंने पहले पानी में डाल के पहले रूट डेवलप किए, उसके बाद मैंने उनको इन सुंदर से बॉटल प्लांटर्स में लगा दिया था, और ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 15 दिन ही हुए हैं शायद, और ये जो है मेरे सब में लीव्स आ गई हैं और लीव्स भी इतनी सुंदर आई हैं। अब बारी है फ्रेंड्स DIY की, जो कि हम बनाएंगे अपनी एक बिल्कुल ही आप सोच नहीं सकते, और इस पुरानी झाड़ू से। जी हाँ मैं ये झाड़ू आपको इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि हम जो DIY बनाएंगे वो इसी झाड़ू से ही बनाएंगे। और ये आप देख पा रहे होंगे ये झाड़ू हमारी बिल्कुल ख़राब हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, हम फेंक देते हैं, हम सोचते हैं कि क्या करें क्या करें। अब देखिए ये जो झाड़ू के पीछे वाला जो पार्ट है फ्रेंड्स, इसमें इस तरीके की जो है पतली पतली ये जो है स्टिक कह सकते हैं आप इनको, ये होती हैं, और ये ना ये प्लास्टिक की ही होती हैं एक तरह से, बट ये ना कुछ फाइबर टाइप की के चीज़ से बनी होती हैं, तो ये थोड़ी सी मतलब फ्लेक्सिबल भी होती हैं। तो हम आप इनको जो है यूज़ कर सकते हैं अपने गार्डन की बहुत सुंदर चीज़ बनाने में, और हम इनको निकाल लेंगे, और मोटी और पतली सब तरह की ये यूज़ हो सकती हैं। मैंने यहाँ पे सारी जो है पतली पतली ली हैं मुझे, क्योंकि बनाने थी स्टिक्स के तौर पे ही मुझे यूज़ करना था फ्रेंड्स। तो अब यहाँ से मैंने ये इसमें से निकाल ली हैं स्टिक्स, अब ये जो मोटे वाली हैं इनको भी मैं यूज़ करूँगी किसी और DIY में। अभी हमें चाहिए ये पतले वाली, तो पतले वाली जो है मैं इसमें से थोड़ी सी जितनी मुझे चाहिए 7-8 उतनी मैंने निकाल ली थी, और इनकी जो लंबाई है फ्रेंड्स वो भी बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, आपको इनको काटने पीटने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो ये लेंथ है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और इसके बाद जो है फ्रेंड्स मैंने लिए मेरे घर में पड़ी हुई थोड़े से जो बटरफ्लाइज़ प्लास्टिक की बटरफ्लाइज़ या जो एक तरह से मतलब होती हैं पॉलीथीन, जैसे प्लास्टिक की बटरफ्लाइज होती है ना जो डेकोरेशन में दिवाली वगैरह पे मार्केट में बहुत मिलती हैं, जो आप इसमें देख पा रहे होंगे मेरी वीडियो में, तो इस तरह की बटरफ्लाइज लीजिए फ्रेंड्स और उन्हें ग्लू गन से आप स्टिक कीजिए पीछे, और ये बिल्कुल इतने कम मतलब पैसों में बन गई हैं आप सोच भी नहीं सकते। ये जो बटरफ्लाइज हैं ये मैं 20 रुपीज़ का मार्केट से पत्ता लेकर आई थी पूरा पैकेट, उसमें 4 बटरफ्लाइज थी, तो आप सोच सकते हैं कि सिर्फ 5 रुपये में फ्रेंड्स, या थोड़ा सा इसमें ग्लूगन लगा है और जो स्टिक है वो तो हमारी बिल्कुल वेस्ट ही थी।
तो उसकी हेल्प से इतने सस्ते में 10 रुपये से भी कम में हमारी इतनी सुंदर गार्डन की बर्ड स्टिक्स जो हैं वो बनकर तैयार हो गई हैं। और ये प्लास्टिक की हैं, ये कोई बारिश में ख़राब नहीं होंगी, धूप में ख़राब नहीं होंगी। और इस तरह की जो स्टिक्स होती हैं बर्ड्स वाली, बटरफ्लाइज़ वाली, मैंने भी ऑनलाइन चेक की थी फ्रेंड्स, बहुत महंगी आती हैं और मुझे नहीं लगता कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है इतनी छोटी छोटी चीज़ें घर में लाने के लिए। आप इतना पैसा मुझे नहीं लगता कि कोई वेस्ट करना चाहेगा। तो आप अपने घर में ये छोटे छोटे शौक़ जो हैं वो इन वेस्ट चीज़ों से ही आप अपने पूरे कर सकते हैं। और देखिए, अपने घर के वेस्ट को मैनेज करके हम इतनी सुंदर एक चीज़ बना रहे हैं, तो उससे अच्छी क्या मतलब बात हो सकती है। आप घर में एक चीज़ ऑलरेडी पड़ी हुई है और फिर हम मार्केट से ख़रीद कर दूसरी लाकर अपने घर में सजाएं, तो वो चीज़ मेरे को तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती। तो हमें अपने शौक़ पूरे करने हैं, तो शौक़ तो पूरे हम अपने इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये सारे जो हैं बर्ड्स जो हैं मैंने बना के इस तरह अलग अलग स्टिक्स में लगा के, कुछ के पीछे जो है मैंने डबल साइडेड टेप लगाई है, और कुछ के जो जिनमें बिल्कुल ही वेट कम था, जैसे ये बड़े वाली बटरफ्लाइज़ हैं, इनमें तो बहुत कम वेट था, वेट ना के ही बराबर है इनमें, क्योंकि ये जो एक प्लास्टिक टाइप का जो मटेरियल होता है उससे ये बनी होती हैं और ये पानी में धूप में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। और इनके पीछे मैंने ग्लूगन लगाया है, ये मैंने ग्लूगन से चिपकाई हैं। और जो स्पैरोज़ आप देख रहे हैं, ये जो वीडियो है मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, इनको मैंने लगाया है डबल साइडेड टेप के साथ। और फ्रेंड्स, मैं अपने गार्डन को धीरे धीरे वेस्ट मटेरियल से ही डेकोरेट करती जा रही हूँ। अलग अलग कॉर्नर को मैंने अलग अलग तरीके से नई नई मतलब चीज़ों से डेकोरेट कर रही हूँ। तो एक दिन मैं आप सबके साथ ओवरव्यू ज़रूर शेयर करूँगी, जब मुझे लगेगा कि मेरा जो गार्डन है वो बिल्कुल मतलब सज कर रेडी हो चुका है, तो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी ओवरव्यू। और फ्रेंड्स, मेरी जो वीडियोस हैं वो कंटिन्यू नहीं आ रही हैं, क्योंकि घर में फैमिली में कुछ थोड़ा सा मतलब सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि हम हर काम को टाइम पे नहीं कर पाते हैं। बट फ्रेंड्स, अब जो है वीडियो बिल्कुल जो है वो टाइम पे आएंगी, बिल्कुल रेगुलर आएंगी, तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और इसी तरह की अच्छे अच्छे आइडियाज़ मैं आपके साथ अब कंटिन्यू शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आप अपने घर के वेस्ट को वेस्ट समझकर फेंक ना दें, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो जो आपके घर का वेस्ट है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं है, वो कहीं ना कहीं यूज़ हो सकता है। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल पे आकर वीडियोस देखने पड़ेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और गार्डन का ओवरव्यू जो है वो बहुत जल्दी ही मैं शेयर करूँगी, अभी प्रोसेसिंग में है, अभी मैं डेकोरेट कर रही हूँ धीरे धीरे। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, आपको जो मेरा वेस्ट मटेरियल से बना हुआ गार्डन है वो बहुत पसंद आने वाला है, बहुत ही कलरफुल है और बहुत ही सारी क्रिएटिविटी है उसमें, तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत सारे आइडियाज़ भी मिलेंगे अपने टेरेस गार्डन के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई आइडिया के साथ। और तब तक के लिए फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।